आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपके आंखों में जो इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आंखों में जो सूजन वगैरह हो जाता है, आंखों में दर्द होता है, आंखों में एलर्जी और चुभने जैसा महसूस होता है, इसका क्या उपाय है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आता है लिक्विड फॉर्म में। वो जो होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन फ्रेंड्स, वो खास करके आई के लिए ही बनाया जाता है। मतलब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जहां पर भी लिखा होगा ऑप्थेल्मिक, उसका मतलब होगा इसका आप आंखों में ही यूज करें आई ड्रॉप के फॉर्म में बस। तो इसमें देखिए, आंखों में जो है एलर्जी हो जाती है, आंखों में रेडनेस आ जाता है, आंखों में जो है कोल्ड के कारण हो जाता है, स्विमिंग करने जाते हो तो स्विमिंग के कारण, पानी के कारण हो जाता है, सूजन, दर्द, डस्क के कारण, या फिर विंड जब चलता है तो विंड में भी बहुत सारे डस्क और छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हैं जो कि आपके आंख में जा करके आपकी आंखों को हानि पहुंचाते हैं। तो अगर हम इस ड्रॉप की बात करें फ्रेंड, तो इस ड्रॉप में देखिए, इसमें नेफा जॉलिन पाया जाता है 0.05%, जो कि एलर्जी को कम करने का काम करता है, जैसे कि रेडनेस वगैरह को कम करने का काम करेगा। इसमें और फेनाइल रेफिन पाया जाता है, जो कि सूजन और ड्राइनेस को कम करने का काम करता है। साथ ही साथ थॉल और कैम्फर भी इसमें कंपोजिशन में पाया जाता है, जो कि आपकी आंखों को ठंडक प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आपकी आंखों में फ्रेंड्स कोई भी एलर्जी है, चुभता है या फिर गंदगी है, धुंधला दिखाई देता है, तो आप इस ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का यूज कर सकते हो। 10 ml का ये पूरा पैक आता है, आप सुबह शाम आप इसका यूज कर सकते हो। करीब 2 से 3 बूंद जो है आपको यूज करना है एक बार में, और 2 से 3 बार आप एक दिन में यूज कर सकते हो। खास करके आपको ध्यान देना है फ्रेंड, ज्यादा मात्रा में आपको यूज नहीं करना, वरना साइड इफेक्ट हो सकता है। ओके, 2 से 3 बूंद ही यूज करना एक बार में, और दिन में 2-3 बार बस।